स्वागत फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि आप लोग एक हफ्ते में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने कम से कम आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ और पूरे स्क्रीनशॉट सहित आपके अपने ही मतलब आईडी से आप लोगों को पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों को पूरा प्रूफ से दिखाने वाले हैं कि आप लोग एक हफ्ते में कितना कमा सकते हैं एंड जो है उसमें कितना आप लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, कितना आपका पेट्रोल लगेगा एंड सब कुछ, आप लोगों को गिग बोनस कितना मिला, कस्टमर टिप कितनी मिल सकती है। तो आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक वॉच करते रहना एंड आप लोग काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है और आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि वीकली पेमेंट जो हम कितना निकाल सकते हैं। तो बहुत से लोग जो है पूछते थे कि वीकली पेमेंट हम कितना कर सकते हैं, तो वीकली पेमेंट आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाले कि एक हफ्ते में आप लोग कितना कमा सकते हैं। ठीक है, मंथली अर्निंग जो है एक अलग चीज़ हो जाती है मंथली में। और एक बात और बता दें, वीकली में ये भी होता है अगर आप जिस दिन वर्क करने नहीं जाते तो कंपनी कोई भी बैलेंस नहीं देती है, तो इस वजह से जिस दिन आप वर्क करेंगे उसी दिन का आपको अमाउंट मिलेगा। तो हो जाता है ये कि वीक में एक हफ्ते में एक छुट्टी मेरी हो ही जाती है लगभग। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहना तो आप लोग देखिएगा कि इस हफ्ते कितनी अच्छी कमाई हुई थी। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी कमाई हुई थी। तो इस वीडियो के लास्ट तक वॉच करना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो आप लोगों से बता दें कि ये पहली बात तो 9 मई से 15 मई तक ये वीक स्टार्ट हुआ, 9 मई से 15 मई तक ये वीक चला। तो पहला दिन जो था 9 मई था और इस दिन था सोमवार। तो मंडे को जो ऑर्डर मतलब हुआ था कितना हुआ था, 8 ऑर्डर हुआ था 5.4 आवर्स, 443 रुपये काम हुआ था, 443 रुपये काम हुआ था इस दिन। और जब ये दिन कंप्लीट हुआ तो ये सोमवार को हो गया। फिर से जो नेक्स्ट डे लगा यानी मंगलवार को, तो मंगलवार क्या हुआ था कि 686 रुपये काम हुआ, 8 ऑर्डर टोटल लगे हुए थे एंड 5 घंटे टोटल लॉग इन आवर्स था। ठीक है, इसमें 639 रुपये ऑर्डर पे था एंड 46 रुपये रिटर्न पे का था। तो 686 रुपये मंगलवार को भाई काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई। यहीं पे आप लोगों ने कल मंगलवार को देखी होगी काफ़ी कम अर्निंग हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 686 रुपये कल काम हुआ और फिर से मतलब कल काम हुआ नहीं मतलब मंगलवार को काम हुआ दूसरे दिन। फिर जो बुधवार आया तो बुधवार को काम कितने का हुआ, तो ये देखिए 623 रुपये बुधवार को काम हुआ, 20 रुपये गिग बोनस यानी वेटिंग वगैरह का मिलता है जो 20 रुपये वो, और 603 रुपये ऑर्डर का। तो मतलब 623 रुपये टोटल अर्निंग हुई थी, 12 ऑर्डर लगे हुए थे। फिर जो नेक्स्ट डे आया तो यानी 11 के बाद 12 मई को मैंने काम नहीं किया, बृहस्पतिवार काम नहीं किया था, शुक्रवार को फिर से काम किया तो 10 ऑर्डर लगे हुए थे, 561 रुपये काम हुआ, जिसमें कि कस्टमर टिप भी 50 रुपये थी एंड एडिशन 20 रुपये की बोनस भी था, यानी 491 रुपये टोटल यहाँ पे काम हुआ और 20 रुपये वो, मतलब 511 रुपये काम हुआ था टोटल कल मतलब 13 मई को यानी बुधवार वाले दिन। और फिर से जो नेक्स्ट डे आया यानी 14 मई को, ये दिन कौन सा सैटरडे था, तो इस दिन 779 मतलब 779 रुपये काम हुआ, गिग बोनस 10 रुपये था, ऑर्डर अर्निंग जो थी 769 रुपये थी और जिसमें कि 759 रुपये मतलब ऑर्डर पे था एंड रिटर्न पे जो 10 रुपये ऐड था, इस तरीके से 11 ऑर्डर पे 779 रुपये कल उस दिन काम हुआ था 14 मई को नेक्स्ट डे मतलब यानी लास्ट डे। फिर जो आया 15 मई 9 से 15 मई तक वीक चला हुआ था, तो 15 मई को जो काम हुआ था 898 रुपये काम हुआ था। आप लोग टोटल अर्निंग पे ध्यान देना, 50 रुपये कस्टमर टिप इस दिन भी ऐड थी एंड 20 रुपये गिग बोनस ऐड भी था एंड यहाँ पे आप लोग देखते 898 रुपये टोटल अर्निंग हुई थी और ऑर्डर लगे थे 15। इस दिन हुआ क्या था कि पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे ऑर्डर बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो इस वजह से ज़्यादा अर्निंग नहीं, तो और अच्छी अर्निंग हो सकती थी। चलो जितना भी हुआ शायद यही इतनी अच्छी शायद आउट लोकेशन भेज देता शायद ऑर्डर ना लगते, शायद इतनी ही ज़्यादा अर्निंग हुई हो। तो यहाँ पे जो है 15 ऑर्डर लगे हुए थे तो इतना काम हुआ और 898 रुपये काम हुआ, 2 रुपये बचा हुआ था 900 काम बचने से, ये 854 मतलब ये जो है 898 रुपये वो 15 रुपये TDS यानी जो वीकली पेमेंट को जो TDS कुछ परसेंट कटता है तो वो TDS यहाँ पे कट गया, यानी टैक्स कुछ कटता है कि अमाउंट ट्रांसफ़र का बैंक जो चार्ज लेती है तो वो TDS कट गया यहाँ से 15 रुपये, इसी लास्ट डे से कटा हुआ था संडे वाले डे से। फिर से जो देखते हैं कि हम आप लोगों को टोटल दिखा देते, तो यहाँ देखिए 9 मई को 444 रुपये काम हुआ, 10 तारीख को 687 रुपये काम हुआ एंड वहीं 11 तारीख को 624 रुपये काम हुआ, 12 को छुट्टी ली थी और 562 रुपये काम हुआ 13 तारीख को, 14 तारीख को 779 और 15 तारीख को 898 रुपये काम टोटल हुआ था। समझिए कि यहाँ पे अगर 15 रुपये TDS वाला जब ऐड था तो यहाँ पे 4000 रुपये पार हो चुका था, वैसे 3993 रुपये टोटल यहाँ पे काम हुआ इस हफ्ते। और डेली अगर मान लीजिए 150 रुपये पेट्रोल अगर मान लेते हैं तो डेली का 150 अगर माने 900 रुपये पेट्रोल अगर 3000 रुपये पूरा बचा हुआ था। ठीक है, 300 रुपये अगर पूरा बचा, अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो पार्ट टाइम में भाई 312000 रुपये सैलरी होती है। ठीक है, महीने की यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप लोग 8000-9000 रुपये एवरेज माने सैलरी जो है वीक मंथली, क्योंकि कुछ छुट्टी भी हो जाती है एंड कभी कभी हफ्ते काम भी नहीं, तो जैसे इन 2 दिनों में काम नहीं हुआ। ठीक है, अभी लास्ट जो मंडे एंड ट्यूसडे आया उनमें काम नहीं हुआ,
तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कि कस्टमर टिप 115 रुपये ऐड थी, एडिशन 70 रुपये वो भी मिला हुआ था। तो इस तरीके से कल मतलब जो लास्ट वीक काम हुआ था। फ्रेंड्स आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को काफ़ी समझ में भी आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं इस तरीके के नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।